हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए खाट बनाएंगे, चारपाई। बहुत ही सुंदर और यूनिक आइडिया है। ये आइडिया हमारे साथ कुंज बिहारी रावत जी ने शेयर किया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना अच्छा आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसमें जो हमें मटीरियल चाहिए वो भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसमें हम 2 इंच का PVC पाइप लेंगे, जो प्लम्बर भैया यूज़ करते हैं वैसा पाइप। ये आपको इजीली घर के अंदर ही आई थिंक मिल जाता है, वरना अगर आप मार्केट से भी लेने जाते हैं तो जो हार्डवेयर स्टोर होता है वहाँ पे इजीली मिल जाता है। इसके साथ हमने पेन लिए हैं। अगर आप पेन नहीं तो पेंसिल ले सकते हैं, कोई भी लंबी स्टिक लेनी है ताकि वो आप चारपाई के चारों कोने बना सकें। उसके कोई स्टिक हो आपके पास, रॉड हो या हैंगर की आप निकाल सकते हैं, हैंगर में से लंबा तार, उस तरह का जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो। पतला वायर नहीं लेंगे इसके अंदर, हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। इसके साथ ही आपको जो बेस बनेगा, जो बीच में हम बुनाई करेंगे, उसके लिए या तो आप रिबन ले सकते हैं, अलग अलग तरह के जो गोटे आते हैं उस तरह का। अब सबसे पहले जो हमारा PVC पाइप है उसके अंदर हम होल बनाएंगे, ठीक है। 2 होल बनेंगे दोनों साइड के ऊपर। और ये कितना बड़ा गरम कुछ भी रॉड या कुछ भी गरम करके इसके अंदर हम डालेंगे तो इसके अंदर होल बन जाएगा। और ये बनाना कितना बड़ा है, जितना मोटा हमारा पेन या जितनी मोटी आपने रॉड ली है उसकी थिकनेस के हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए पेन इसके अंदर फिट करेंगे तो बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। इसको टाइट करके इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए इस तरह हमारा बेस बन जाएगा, चारों पाइप इस तरह लग जाएंगे और उसके अंदर पेन डल के इस तरह बन जाएगा। तो ये मेरा बेस बन गया है। अभी बेस बनाने के बाद इसके ऊपर हम कोई भी वेलवेट का कपड़ा या कोई गोल्डन कागज, कुछ इस तरह का फैंसी लगाएंगे। अब देखिए ये करके हमारा इस तरह का बेस बन गया है। जो पीवीसी पाइप का ऊपर है, ऊपर का साइड है, उसके ऊपर आप पेपर की स्ट्रिप बना के उससे रोल कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर की स्ट्रिप बनाते हैं, या कोई इसके ऊपर फ्लावर लगा सकते हैं। डेकोरेशन टोटल आपके ऊपर है, जितना मर्जी हैवी कर सकते हैं आप इसे। इन पेंस को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी हम जब इसकी बुनाई करेंगे तो ये अपने आप रैप हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक गोटा लेंगे, इसमें हम 2 कलर का लेंगे तो 1st कलर का लेंगे, उसको एक पेन के कॉर्नर में लगाएंगे। अब इसको ऑल पिन से या सुई धागे से पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से फिक्स करना है। अब इसको इन पेन के चारों तरफ रैप करना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम अपना 2nd लेंगे और दूसरी तरफ पे लगाएंगे। अब एक एक छोड़ के इसके बीच में से निकालेंगे, जिस तरह से हम जिसमें से रैपिंग करते हैं, लाइक एक एक के बीच में से निकाल के हम निकालेंगे। और इस तरह करके देखिए हमारी ये आ जाएगी, बिल्कुल तैयार हो गई है, इतनी सुंदर लग रही है। अब जो फ्लावर वगैरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे, डेकोरेशन पार्ट टोटल आपके ऊपर है। मोरपंख लगा सकते हैं, मोती की चेन से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसके पायों को हैंगिंग लगा सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर, बनाने में बहुत आसान। अगर पेन लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर शेप में बना है, अगर आप पेंसिल लेते हैं तो पेंसिल को बीच में से कट करके रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं। शेप इसकी आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए लाला को बैठ के भी कितना प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, देखने में सुंदर, बनाने में आसान। मैं उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे अपने लाला के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।